सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। शिकायत करना उसका काम होता है जो अपने आप को बेहतर बनाने में असमर्थ होता है। जिंदगी में हमने चाहे कितने भी सबक पढ़े या रटे हो किताबों से, पर याद वही रहती है जो दुनिया की ठोकरों ने सिखाया हो। देने के लिए दान, लेने के लिए ज्ञान और त्यागने के लिए अभिमान सर्वश्रेष्ठ है। आज का पंचांग 16 जून 2023 दिन शुक्रवार, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि सुबह 8:40 तक रहेगी। इसके उपरांत चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। कृतिका नामक नक्षत्र दोपहर 3:07 तक रहेगी। इसके उपरांत रोहिणी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 10:30 से 11:36 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:53 से 12:45 तक रहेगा। आज चंद्रमा वृषभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मिथुन राशि पर रहेंगे। आप सभी को मासिक शिवरात्रि की शुभकामनाएं। मासिक शिवरात्रि पूजा मुहूर्त 17 जून रात्रि 12:06 से 12:48 तक रहेगा। मिथुन राशि 16 जून 2023 दिन शुक्रवार, घर पर बिताया गया समय आपको शांति प्रदान करेगा। जीवन की व्यस्तता से बचने के लिए प्रकृति में कहीं शांति से समय बिताएं। आपको अभी माता पिता की देखभाल करने की जरूरत है, खासकर किसी माँ के समान औरत की। कोई क्लास ले या कुछ नया पढ़ें जो आपके लिए रोचक हो। आजकल दुनिया की रफ्तार बहुत तेज है, ऐसे में स्वयं को देखें और विचार करें। अपने आंतरिक प्रतिभा और शक्ति को खोजने के लिए शुभ समय है। किसी भी नए काम की शुरुआत करने से बचें। याद रखें कि भाग्य आलसी लोगों का नहीं बल्कि साहसी लोगों का साथ देता है। आज दिन भर भाग दौड़ रहेगी, उसके अच्छे नतीजे भी मिलेंगे। महत्वपूर्ण लोगों से संपर्क मजबूत होंगे। प्रॉपर्टी खरीद बिक्री की योजना में तेजी आएगी। विद्यार्थियों का पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा। किसी व्यक्ति के साथ करीबी रिश्ता महसूस होगा, इस वजह से अपने विचार और भावनाओं को आसानी से प्रकट कर पाएंगे। लोगों से मिल रहा सहयोग आपके लिए लाभदायक साबित होगा। अकेलेपन की भावना दूर होने से बड़े कामों पर ध्यान दिया जा सकता है। साथ में जो बातें नहीं हैं, उनके लिए उत्साह रहेगा। यदि आप मित्रों के साथ व्यापार करना चाहते हैं तो ये समय सफल हो सकता है, लेकिन काम की शुरुआत करने से पहले एक दूसरे की अपेक्षाओं को समझें। लव लाइफ में सकारात्मक बदलाव आएगा, इस वजह से जीवन में आनंद बना रहेगा। सावधानियां, अपने स्वभाव में थोड़ा ठहराव लाना जरूरी है। किसी नजदीकी संबंधी से चल रहा विवाद अनुभवी लोगों की मध्यस्थता से हल हो जाएगा। संतान की गतिविधियों और संगति पर नजर रखें, इस वजह से आपको निजी कामों को नजरअंदाज करना भी पड़ सकता है। बात करते हैं लव लाइफ की। दिल के मामलों को लेकर आप भावुक महसूस करेंगे, ऐसे में अपने पार्टनर से अपने दिल की बात शेयर करना ना भूलें। रुपए पैसा संपत्ति संबंधित मुद्दे भी आपका ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। अपने आप को कुछ आराम देने के लिए आज का समय बेहतरीन है। आपकी भावनाएं आपको हमेशा अपने चाहने वालों से जोड़े रखती है और यही कारण है कि आप अपनी हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हैं। जो लोग एक तरफा प्यार में हैं, उनके लिए अच्छी खबर है। जैसा आप चाहते हैं वो स्वयं आपसे प्यार का इजहार करेगा। बात करते हैं करियर की। अगर आप बिल्डर हैं तो आज आपको मिलने वाले पाइपलाइन से संबंधित असाइनमेंट आपके दिमाग के मार्ग में मील का पत्थर साबित होगा। घरेलू मामले मरम्मत और नवीनीकरण में भी धन की आवश्यकता पड़ सकती है। इससे आपको जीवन जीने का नया नजरिया मिलेगा। अपने मन और आत्मा दोनों को शुद्ध करने के लिए कुछ समय निकालें। इसके साथ ही आत्मनिरीक्षण के लिए भी यह सही समय है। इससे आपकी ताकत और प्रतिभा को फिर से खोजने में आपको मदद मिल सकती है। अपने भविष्य के लिए योजना बनाते समय अपनी ध्यान को केंद्रित करें।
परिवर्तन से ही आपका विकास संभव है। बात करती है सेहत की। गैस्ट्रिक चीजों का सेवन करना नुकसान देगा जोड़ों में, घुटने के जोड़ों में दर्द की समस्या बढ़ सकती है, पेट संबंधित दिक्कत भी हो सकती है। खान पान पर ध्यान रखें। आज जब गरीबों को आटा, शक्कर या चावल का दान करें शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।